सो लेट्स कंटिन्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के लिए हम लोग बिल्कुल अब लास्ट उसके डिस्कशन पर आ चुके हैं। ऐसे समझिए कि बिल्कुल आखिरी आखिरी लेक्चर्स चल रहे हैं, और पूरी एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अंडरस्टैंड करने के बाद आज की क्लास में हम एक एप्लीकेशन बेस्ड डिस्कशन करेंगे, और ये है ट्रांसफॉर्मर्स। पूरी तरीके से ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करते हुए उसके कंसेप्ट पर बेस करता हुआ ये सेटअप है। हम इसकी हर एक बात को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से कि ट्रांसफॉर्मर किसे कहेंगे, वर्किंग क्या कर कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन कैसी है इसकी, ट्रांसफार्मर्स के लिए मैथमेटिकल इवैल्यूएशन अगर हम करना चाहते हैं उसकी इफिशियंसी और पावर रेटिंग पर, तो कौन से फॉर्मूले किस तरीके से अरेंज किए जाएंगे एंड सो ऑन। तो लेक्चर बड़े ध्यान से सुनना, ज्यादातर मामला आज के लेक्चर का अपना पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है। अब देखो बच्चों, आपको एक बात तो पूरी तरीके से कन्विंसिंग लेवल पर पता है, अभी बिल्कुल हम इस बात में अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस रखते हैं कि किसी भी अरेंजमेंट में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कराया जाए, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलने लगता है। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑब्टेंड करने का प्रोसीजर है, इसमें भी हम दो वैरायटी या दो अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। एक है कि सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच द चेंज ऑफ ईएमएफ, द चेंज ऑफ करंट, सॉरी आई मे से द चेंज ऑफ करंट, द चेंज ऑफ फ्लक्स एंड द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इज गोइंग टू हैपन इन द सिंगल कॉइल। बट हावेवर इफ यू हैव एन अरेंजमेंट ऑफ कपल ऑफ कॉइल्स इन विच द चेंज ऑफ करंट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन वन ऑफ द कॉइल एंड द चेंज ऑफ फ्लक्स इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द नेबरिंग कॉइल, सच दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोइंग टू बी जनरेटेड, इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड, इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल, देन सच अ प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों में से एक कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे और दूसरे कॉइल में उसका लिंक किया हुआ फ्लक्स चेंज हो जाएगा एंड वी फाइंड इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी जो ट्रांसफार्मर है ये पूरी तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस पर बेस करता है, कंप्लीट लेवल में म्यूचुअल इंडक्शन। और ये इतना इंपॉर्टेंट कह लीजिए अरेंजमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट सेटअप है, जिसके बगैर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं बनता है, चाहे फिर वो हम सप्लाई लाइंस की बात करें या छोटे से हमारे मोबाइल के चार्जर की बात करें या हमारे घरों में लगी हुई टीवी सेट्स या रेफ्रिजरेटर्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप इस्तेमाल करें, उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर का रोल जरूर रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर देखो आपने रोड पे कभी चलते हुए आपने ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स देखे होंगे, ये इस तरीके के, might have seen that, या हो सकता है ऐसे देखे होंगे, इस तरीके का देखा हो, या हो सकता है इस तरीके का देखा होगा, ठीक है। इवन अपने कॉलेज के जस्ट नजदीक ऐसे दो तीन सेटअप ऑफ ट्रांसफार्मर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर कभी आपने मोबाइल के चार्जर वार्जर को ओपन कर दिया या उसके अंदर के सिस्टम को खोल के देखा, चेक किया, तो हो सकता है आपको अंदर वहां पे ऐसा कुछ बना हुआ मिलता होगा, दिख रहा है ये, कभी ऐसी चीज पे नजर पड़ी है? यस कभी देखने का मौका मिला ऐसा? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल लो। नो
नहीं सर, नहीं देखे ये सेटअप नहीं देखे तुमने कभी? अच्छा ये वाला तो देखा होगा, ये रोड पे लगा हुआ, ये तो यस डेफिनेटली देखा होगा। एक प्रोटेक्शन के तौर पे वहां पे थोड़ा सा फेंसिंग भी की जाती है कि कोई जाए नहीं, हाई वोल्टेज रहने की वजह से। ये हाई वोल्टेज है, सप्लाई लाइन से जुड़े हुए बड़े ट्रांसफार्मर से। ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है, कभी अपना मोबाइल का चार्जर वार्जर अगर खराब हो गया उसको ओपन करके देख लो, ये जरूर देखने को मिलेगा। इस तरीके का एक अरेंजमेंट उसके अंदर डेफिनेटली होगा। एनीवे हम ऐसे समझते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बगैर ट्रांसफार्मर के तो मैं समझता हूँ कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट कन्विंसिंग लेवल पर डिजाइन ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी पॉइंट पे ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। अब मैंने आपको ये कहा कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस में काम करता है, आपको इस बात को याद रखना है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने रखता हूं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो हमारे पास एक कॉइल है इस तरीके की, जिसको हम क्या करेंगे किसी करंट सोर्स के साथ जोड़ देंगे। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये वही अल्टरनेटिंग सोर्स है जो हमने कल बनाया, कल देखा था पिछले लेक्चर में, एसी सोर्स पावर सप्लाई। यस सर, और इसको बिल्कुल नियर बाई करते हुए ना एक दूसरी कॉइल हम इसके साथ अरेंज करेंगे, और ये दूसरी कॉइल जो है इन कंटिन्यूटी हम आगे किसी अप्लायंस को जाके कनेक्ट करेंगे। अब ये अप्लायंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूं कि एक लाइट का बल्ब है, ठीक है, आउटपुट है, ये आउटपुट है। और ये जो एसी सप्लाई हमने लगाया है यहाँ पे, ये इनपुट है। अब आपको इसमें बेसिकली दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि वो कॉइल जिसको इनपुट सप्लाई जोड़ा गया है उस कॉइल को हम कॉल करेंगे प्राइमरी, ठीक हो गई बात। और दूसरी वाली वो कॉइल जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेने वाले हैं, दैट पर्टिकुलर कॉइल विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉइल। सो दीज नेम्स आर वेरी स्पेसिफिक, आप किसी भी कॉइल को प्राइमरी नहीं बोल सकते, आपने उसी कॉइल को प्राइमरी बोलना है जिसको आपने इनपुट दिया है, यानी कि आपने जिसके लिए पावर सप्लाई जोड़ा है जिसको, और उसी कॉइल को आप सेकेंडरी कॉल करेंगे जिसको आप आउटपुट से कनेक्ट कर रहे हो। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे आपने जोड़ा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगेगा। कुछ हद तक अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, दिखाएं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे उस मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं, ये इस तरीके का कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन रहा हो। अब ये फील्ड बेटा इस सेकेंडरी कॉइल से भी तो कनेक्ट हो जाएगा, फील्ड के लाइन सेकेंडरी कॉइल में भी जाएंगे, है ना। और जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में बन रहा होगा कुछ कुछ वैसा ही फ्लक्स, कुछ हद तक उसी अंदाजे का एक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी बन रहा होगा। तो हम इन दोनों कॉइल्स के बीच में क्या करते हैं, फ्लक्स को लिंक करा देते हैं, फ्लक्स का लिंकेज जिसे हम कहते हैं ना, वो करा देते हैं। अब इन दोनों कॉइल के बीच में फ्लक्स पूरी तरीके से लिंक हो जाएगा। अब ऑफ कोर्स इस फ्लक्स को कंट्रोल करने का तरीका ये हो सकता है कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको मैनेज करें। अब जैसे देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एनपी हैं और सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एनएस है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो एक ही पास हो रही है दोनों में से, सिंगल लाइन। लेकिन अगर सेकेंडरी में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे हैं प्राइमरी के कंपैरेटिवली, तो सेकेंडरी का फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाएगा। बात समझे ना, फ्लक्स का फॉर्मूला याद है आपको? फ्लक्स का फॉर्मूला बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया। मतलब यहाँ पे फ्लक्स कंट्रोल किया जा सकता है किस चीज से, नंबर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टर्न्स से। आप सोचो अगर मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स सेम रखे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो तो दोनों में सेम होगा,
ठीक है, क्योंकि हमने तो लिंक करा दिया फील्ड को, तो हमने लिंक करा दिया। 2-500 लाइन अगर इसमें से निकल के यहाँ पे जा रही है, तो 2-500 लाइन यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2-500 मतलब मैं एक नंबर बोल रहा हूँ ऐसे ही रैंडम। बट फ्लक्स का ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड बनता है वो तो डिपेंड होगा ना कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ज्यादा कर दिए उसमें फ्लक्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, और जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स मैं कंपैरेटिवली कम रखता हूँ तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स खुद से कम हो जाएंगे। एनीवेज, अब बात यह है कि हमने लगाया अल्टरनेटिंग करंट, तो ये करंट करेगा फ्लक्चुएशंस, कम ज्यादा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। उसकी वजह से क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा। सीक्वेंस आ रहा है ना समझ में? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, ये सारा कुछ प्राइमरी में हो रहा है। करंट भी जो वेरी कर रहा है ना, वो प्राइमरी के अंदर ही वेरी कर रहा है, लेकिन इसका फ्लक्स लिंक हो रहा है किसके साथ? सेकेंडरी कॉइल के साथ। सेकेंडरी तो अल्टीमेटली सेकेंडरी में फ्लक्स फ्लक्चुएट करने लग रहा है। समझ रहे हैं बात को? ये सुनो, यस इफेक्टिवली अगर देखा जाए, इन रिजल्ट अगर चेक किया जाए, तो फ्लक्स तो सेकेंडरी का ही चेंज हो रहा है। तो सेकेंडरी के फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंडक्शन होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सेकेंडरी कॉइल में हम ये देखेंगे कि अचानक से करंट या ईएमएफ वहां पर जनरेट होंगे, इंड्यूस होंगे। तो ये प्रोसेस पूरी तरीके से हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो हम जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट में क्या समझ आ रहा है कि इस म्यूचुअल इंडक्शन में कितना फ्लक्स चेंज होगा और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको कंट्रोल करने का जो फ्रीडम है, इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है, या इसको कंट्रोल करने का जो फैक्टर है, वो नंबर ऑफ टर्न्स है। ये की पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर कंट्रोलिंग अपनी बना लेता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स को कम या ज्यादा करता हूँ, तो उससे इफेक्टिवली फ्लक्स इफेक्ट होगा। और आप जानते हैं कि जब फ्लक्स चेंज हो जाता है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ हम लिखते हैं डी फाई बाई डी टी, वो इंड्यूस ईएमएफ ही चेंज हो जाएगा। समझे बच्चों बात को? यस तो ये ट्रांसफार्मर का कुछ बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन। ट्रांसफार्मर इस तरीके से काम करने वाला है कि प्रोसेस वाइज देखें तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, लेकिन कंट्रोलिंग फैक्टर वाइज देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। कुछ कुछ बात समझ आ रही है आपको? अब बिफोर वी लुक आउट अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड डिटेलिंग ऑफ इट, हम कुछ और एनिमेशंस या कुछ और डायग्राम्स यहाँ पे देखते हैं, ताकि आपको ये आइडिया और क्लियरिटी से और बेहतर तरीके से समझ में आए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब इसको ध्यान से देखो, आप इसमें क्या किया है, यहां जो है ना ऑन ऑफ सप्लाई दिया है, ये तो ये वाला कॉइल क्या हो गया, प्राइमरी प्राइमरी कॉइल हो गया। इस प्राइमरी कॉइल को ये सेकेंडरी कॉइल के बिल्कुल नियर बाई रखा है, और ये सेकेंडरी कॉइल फाइनली किसी आउटपुट पे जा रहा है। दोनों में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, टच नहीं है एक दूसरे को, फिजिकल लेवल पे जो है ना करंट का सप्लाई एक से दूसरे में हुआ, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब एक फ्रेम बना के हमने इसको यहाँ पे अरेंज किया है। एक्चुअल में ये फ्रेम जो है ना मैग्नेटिक मटेरियल को सपोर्ट करने वाला होगा, ताकि जो भी फ्लक्स यहाँ पे डेवलप होगा वो बराबर इस मटेरियल के अंदर से पास होके दूसरे सेकेंडरी तक पहुंचे, यानी कि हम फ्लक्स लिंक करने की पूरी गारंटी करेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि फ्लक्स पूरी तरीके से लिंक होके यहां आ जाए। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको फ्लक्स कैसे लिंक हो रहा है? यहाँ पे दिख रहा है इसमें बनने वाला फ्लक्स जो है, ये यहां तक ले आए हम, इसमें हमने घुसा दिया उसको। तो विच प्रोसेस इज वर्किंग हियर देन, कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे ये दोनों कॉइल के लिए? म्यूचुअल इंडक्शन हाँ जरा तेजी से आंसर करें ना, तो आगे बढ़ ले हम जल्दी जल्दी। तो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब इसको जरा फील करेंगे ये कैसे हो रहा है। अब मैं जो बात आपको समझा रहा था कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको देखो आप। देखो फ्लक्स के जो लाइंस निकल रहे हैं ना, वो दोनों कॉइल्स में से सेम जा रहे हैं,
अब जैसे यहां पे मैंने क्या किया, सेकेंडरी के टर्न्स कम रखे हैं और प्राइमरी के ज्यादा रखे हैं, तो खुद ब खुद क्या होगा, सेकेंडरी का फ्लक्स कम हो जाएगा कंपैरेटिव टू प्राइमरी, उसके अंदर जो फ्लक्स की डेवलपमेंट होगी वो कम ही होगी। अब उससे क्या होगा वो सब आगे हमको समझ में आएगा। अगर किसी अरेंजमेंट में हम ये चाहते हैं कि सेकेंडरी में ज्यादा फ्लक्स आए, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के इंक्रीज। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे। तो कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया, और इंसान यही चाहता है। साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होती हैं उसका जो मेन आउटकम यह होता है ना कि कंट्रोल हमारे पास आ जाए, ताकि हम जैसे चाहें वैसे उसको अपने नीड और जरूरत के हिसाब से जो है ना उसको यूज कर सकें, उसका अरेंजमेंट और उसका सेटअप बना सकें। तो बस वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट है कि भाई कंट्रोल हमारे पास कब आएगा, तो ये कंट्रोल हमारे पास आ गया इसका। अदरवाइज अगर इस तरीके से हम नहीं सोचेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, फ्लक्स लिंक करा के हम इंतजार करते बैठेंगे कि भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन करा दिया, और उसके साथ साथ हम ये भी अब कंट्रोल कर पाते हैं कि किस कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक करेगा और कितना फ्लक्स वहां पे डेवलप होगा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं बेटा, इफ यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन, तो आप देखें यहाँ पे कितनी चीजें हमें चाहिए। ये वही वही पैरामीटर है, उसी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, और ये फ्लक्स के लिंकेज को बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एनीवे, एक और डायग्राम भी है अपने पास, उसको भी देख लेते हैं, सो दैट के पूरा आइडिया आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ये भी वही अरेंजमेंट है उसी तरीके का, प्राइमरी को सप्लाई लाइन जोड़ी जाती है, फ्लक्स को लिंक कराया हमने, एंड देन सेकेंडरी से हमने आउटपुट लिया। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन में हमको क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखें तो हमको दो कॉइल्स चाहिए यहाँ पे, है ना। वन ऑफ द कॉइल वी विल बी कॉलिंग इट एज अ प्राइमरी कॉइल, एंड अनदर कॉइल वी विल बी कॉलिंग इट एज अ सेकेंडरी कॉइल। तो हमको दो कॉइल्स चाहिए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, तो हमको एक आयरन कोर चाहिए, आयन का कोर चाहिए, ये फ्रेम जिसको हम कहते हैं, ये वाला चाहिए, ताकि हम इस फ्रेम पर कॉइल्स को वाइंड कर सकें और उसी फ्रेम की हेल्प से मैग्नेटिक लाइंस को एक डायरेक्शन दे सकें कि वो दूसरे वाले कॉइल के अंदर से जा सके, ठीक है। अगर ये फ्रेम हम नहीं लगाते हैं, बिल्कुल आजू बाजू में ऐसे ही रखते हैं, तो जरा मेरी इस बनाई हुई डायग्राम को देखो, बहुत सारा फ्लक्स तो लीक हो जाएगा। तो ये फ्रेम बना के हम क्या करते हैं, इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से निकल रही होंगी वो इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए दूसरे कॉइल के अंदर से जाएं, और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हमारा अप्रोच ये होगा, मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होगी कि पूरा का पूरा फ्लक्स हम यहाँ पे लिंक करा पाए और लीकेज कम से कम हो। लीकेज होगा, इतना करने के बाद भी थोड़ा बहुत लीकेज होगा, लेकिन कम से कम होगा। तो हमको दो कॉइल्स चाहिए और एक आयरन कोर चाहिए। अब एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने कुछ इस तरीके की स्कीम वहां पे बना के बतानी है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है इसकी। तो ये आपने आयरन कोर दिखा दी यहाँ पे, ये वाली चीज है, और ये यूं दो कॉइल्स दिखाई। अब हमको एक डाउट आएगा, एंड दैट हैज टू बी सीरियस डाउट है ये, कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी में जो करंट का और ईएमएफ का ट्रांसफर कर रहे हैं, जो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी से नाम ट्रांसफॉर्मर बना है ना, क्योंकि एनर्जी दी किसको गई, प्राइमरी, प्राइमरी और पहुंची किसके पास, सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो इट्स काइंड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी ना, आपने एनर्जी को एक प्रोसेस का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया है, दैट इज व्हाई वी से इट एज ट्रांसफॉर्मर। तो आई वॉज ऑन अ पॉइंट कि हमको एक डाउट आएगा कि अगर हम ऐसा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आयरन कोर रखते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो गया ना, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो गया ये, तो ऐसा म्यूचुअल इंडक्शन करने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे जाएगा ये, नहीं हम इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं करेंगे। ये बात याद रखो कि ये जो आयरन कोर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम इस पे लेमिनेशन लगाएंगे, लेमिनेटेड कोटिंग करेंगे, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं करेंगे। ये मेरा सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे।
कि प्राइमरी से करंट सीधा इस लाइन से निकल के सेकेंडरी में गया, ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ रही है बेटा? यस, हम इसको इंसुलेट करेंगे, लैमिनेशन करेंगे इसके ऊपर, कोटिंग करेंगे इसके ऊपर, इंसुलेशन हम इस पे बनाएंगे ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में ना आए डायरेक्ट। ठीक है, हमारा इस आयन कोर को लगाने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि सारा का सारा फ्लक्स जो प्राइमरी में बन रहा है वो पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में लिंक करा पाए, नथिंग अदर देन दैट। कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डायरेक्ट लेवल पर प्राइमरी और सेकेंडरी में हम नहीं कर रहे हैं, रादर यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस में सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्लियर हुई बच्चों बात? यस हाँ। अब थ्योरी पेपर के लिए हमको इसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी करनी होती है, तो हम इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं करेंगे, लाइक दिस, ऐसे। अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एक बड़ी खास बात है कि आपने प्राइमरी वाइंडिंग्स दिखा दी, सेकेंडरी वाइंडिंग्स भी आप दिखाओ, कम ज्यादा कैसे भी दिखाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते वक्त। लेकिन आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है यहाँ पे कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में यूं ऐसे दो पैरेलल लाइंस निकालने हैं कंपल्सरीली, अदरवाइज फिर वो सिंबल को जो है ना ट्रांसफॉर्मर के लेवल पे कंसिडर नहीं किया जाता है, फिर आपके मार्क्स कटेंगे वहां पे। तो यू बेटर राइट टू और बेटर ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस इन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल जस्ट टू कंफर्म दैट कि दिस अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफॉर्मर असेंबली। ओके विद दिस? यस। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं बच्चों इसकी वर्किंग पे, इसकी वर्किंग पे हम कुछ डिटेल बात करते हैं। जैसे मैंने आपको एक आइडिया तो बता दिया है कि जब ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल एंड द चेंज ऑफ फ्लक्स विच विल कॉज द इंड्यूस ईएमएफ। नाउ टू नो द वर्किंग वी शुड नो सम पैरामीटर्स, जैसे इन पैरामीटर्स पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे एनपी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी होगा, एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, ईपी प्राइमरी का ईएमएफ, ईएस सेकेंडरी का ईएमएफ। ये जो प्राइमरी वाला ईएमएफ है ये इनपुट ईएमएफ भी बोला जा सकता है और सेकेंडरी वाले ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं। सिमिलरली आईपी प्राइमरी का करंट या हम कह सकते हैं इनपुट करंट, और आईएस ये सेकेंडरी करंट होगा या फिर हम कह सकते हैं कि आउटपुट करंट या हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट। याद रखिए सेकेंडरी पर हम इंड्यूस्ड या आउटपुट ये टर्मिनोलॉजी लगाते हैं और प्राइमरी पर हम इनपुट या सोर्स ये टर्मिनोलॉजी लगाते हैं। अब फ्लक्स लिंकेज की भी वैसे ही बात होगी। अब एक बात जरा गौर करें, अगर आप ईएमएफ के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फैराडेज लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप प्राइमरी वाला जो फ्लक्स है ना वो ऐसे लिख पाएंगे एनपी डी फाई बाई डी टी, करेक्ट है? क्योंकि टोटल फ्लक्स तो एनपी फाई है, इसमें से एनपी तो नंबर ऑफ टर्न्स है, कांस्टेंट है भाई, तो हटा दो बाहर तो बचा तो डिफरेंशिएशन डी फाई बाई डी टी का होगा। और इसी तरीके से अगर आप सेकेंडरी के लिए लिखना चाहते हो तो सेकेंडरी के लिए आप क्या लिखोगे? डी फाई बाई डी टी, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहां पे आप क्या करें, एक रेशियो ले लें ई एस डिवाइडेड बाई ईपी एंड दिस रेशियो वी कैन इजिली फाइंड इट इज एन एस डिवाइडेड बाई एनपी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर अस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें ये जो पर्टिकुलर रेशियो हमें यहां पे मिला ना एन एस बाई एनपी, इसको हम कॉल करते हैं टर्न रेशियो, और ऐसे ही कॉल करेंगे एनएस बाई एनपी ही लेंगे, एनपी बाई एनएस नहीं बोलेंगे। सेकेंडरी टर्न्स, टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाई टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ टर्न रेशियो, यू कांट मेक इट रिवर्स, एनपी बाई एनएस नहीं बोलेंगे इसको। अब आप सोचेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं आप, व्हाई यू आर कॉलिंग दिस टू बी टू इंपॉर्टेंट, व्हाई यू आर कॉलिंग दिस टू बी अ यूजफुल रिलेशन। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद अ वेरी सिंपल फैक्ट। सपोज अगर किसी सिचुएशन में मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कर दिए ग्रेटर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी जो है मैंने कर दिए ग्रेटर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो बच्चों ये जो रेशियो है एनएस बाई एनपी
ये तो ग्रेटर देन वन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ES by EP should be greater than one, because NS numerically ES by EP बन रहा है। इसका यस मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना, ES is greater than EP. Now what do you mean by this? By this you mean the output EMF is greater as compared to input EMF. बात को समझे? This is very very important factor. ज्यादा आउटपुट मिल रहा है हमको कंपैरेटिव टू इनपुट। एंड इफ आई गो एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ इट, इसका बिल्कुल उल्टा मैं चलता हूं, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स में कम कर देता हूं, तो ये रेशियो लेस देन वन हो जाएगा। देयरफॉर ईएस बाय ईपी विल बिकम लेस देन वन, एंड हेंसफोर्थ आई कैन से ईएस इज लेस देन एज कंपेयर टू ईपी, मतलब आउटपुट इनपुट के मुकाबले में कम हो गया। तो अब हमारे हाथ में ये पूरा फ्रीडम आ गया, हमको ये पूरा कंट्रोल मिल गया कि आपको इनपुट सॉरी आउटपुट ज्यादा चाहिए क्या कम चाहिए। अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल आपको एग्जांपल आपको देता हूँ, ये चार्जर से जो आउटपुट आता है मोबाइल के चार्जर से, चार्जर को कई बार आपने हाथ लगाया, कभी आपको डर लगा करंट लगने का? नहीं लगा। हम जानते हैं उससे आउटपुट कम आता है, वी गेटिंग वेरी लेस आउटपुट, 8-10 वोल्ट जो भी होगा पता नहीं, डिपेंडिंग अपॉन के चार्जर की क्या कैपेसिटी है इस हिसाब से। और हमारी सप्लाई लाइन कितनी है? 230 वोल्ट। तो हमने हाई वोल्टेज को एकदम से ड्रॉप कर दिया कम वोल्टेज में, ये ट्रांसफार्मर का कमाल है। समझ आ रही है बात? अच्छा, चार्जर का सर्किट इतना भी सिंपल नहीं है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं बस ट्रांसफार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। So, हम जब से ट्रांसफार्मर की जो तारीफ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो कंट्रोलिंग फैक्टर है कि भाई कहां हमें ईएमएफ ज्यादा करना है या कहां हमें कब हमें ईएमएफ को कम करना है, वो हम बहुत सिंपल तरीके से बस नंबर ऑफ टर्न्स को कंट्रोल करके कर सकते हैं। yes. और ये एक फिजिकल अप्रोच हो गया ना, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फिजिकल अप्रोच हो गया कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दो सेकेंडरी के तो आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स आप कम कर दो तो आपको कम आउटपुट मिलेगा, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें एक और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, गौर से सुने। समझो हम इस ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर लिखते हैं, इनपुट पावर मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनपुट का मतलब होता है प्राइमरी वाली सारी चीजें, तो इनपुट पावर पावर इनपुट ऐसे लिखते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा करंट इन प्राइमरी एंड वोल्टेज इन प्राइमरी, बिकॉज पावर जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज होता है। और इसी तरीके से अगर आप इसके लिए आउटपुट पावर लिखें, आउटपुट पावर, तो आप बताएं मुझे यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए? ISES करंट इन सेकेंडरी एंड ईएमएफ इन सेकेंडरी। अब देखो, एक आइडियल ट्रांसफार्मर जब हम कंसिडर करते हैं आइडियल थ्योरेटिकल मैनर में, तो जितना पावर हम इनपुट में दे रहे हैं उतना हम आउटपुट में एक्सपेक्ट करेंगे बिना किसी लीकेज और लॉस के, आइडियली। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम तो यही कहेंगे कि पावर आउटपुट शुड बी इक्वल टू पावर इनपुट। अब पावर आउटपुट आपने कैसे लिखा? तो आपने लिखा आई एस ई एस इज इक्वल टू आई पी ई पी। नाउ जस्ट टेक अ रेशियो इन विच यू राइट ई एस डिवाइडेड बाय ई पी इज इक्वल टू आई पी डिवाइडेड बाय आई एस। बस अब आप यहां से देखें कि ई एस बाय ई पी जो है ये हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रिलेट कर दिया है यहां पर, तो क्या प्रूफ है? तो हमको फाइनल रिलेशन क्या मिला? आईपी डिवाइडेड बाय आईएस इज इक्वल टू एनएस बाय एनपी। तो न सिर्फ ईएमएफ बल्कि हम करंट को भी नंबर ऑफ टर्न्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा करने पे हम ये सारे फैक्टर्स अपने हिसाब से मैनेज करेंगे कि हमको कहां ईएमएफ ज्यादा चाहिए और कहां हमको करंट ज्यादा चाहिए।
ठीक है। बट ये जो मैंने बात आपको बताई कि हमको इनपुट और आउटपुट पावर को इक्वल करना है, ये आइडियल कहानी है, आइडियल, ठीक है ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में कोई ट्रांसफार्मर आइडियल तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, कुछ ना कुछ लीकेज होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो हम इस बात को ध्यान में रख के क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को डिफाइन करते हैं, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसे हम एक सिंबल से बताते हैं, ईटा। अब ट्रांसफार्मर हो या कोई भी चीज हो, उसकी इफिशियंसी लिखने का तरीका तो यही होगा, आउटपुट। अब इलेक्ट्रिकल है इसलिए पावर बोल दिया, इनपुट पावर। किसी भी चीज की इफिशियंसी तो ऐसे ही मेजर होती है कि आउटपुट कितना आया कंपैरेटिव टू इनपुट कितना है। सो इफ यू रियली वांट टू गो फॉर इफिशियंसी इक्वेशन, तो वी मे गेट ESIS, क्योंकि आउटपुट सेकेंडरी पर आता है, EPIP ये प्राइमरी पे आएगा। अब इफिशियंसी अगर आपको परसेंटेज में गिननी है, तो बस आप अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज इफिशियंसी अगर आप करनी है, करना चाहते हो उसको, तो ESIS डिवाइडेड बाय EPIP, यू जस्ट मेक दैट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। तो कोई भी प्रैक्टिकली वर्किंग करने वाला ट्रांसफार्मर जो है वो 100% इफिशियंट नहीं होता है, ओके। कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होते हैं, हम देखेंगे कि कौन से लॉसेस होते हैं, कब होंगे, कैसे लॉसेस होंगे और क्या तरीका होगा उसका, बट इतना जरूर है कि वो 100% इफिशियंट नहीं होता है। एक और बात आपने यहाँ पे ख्याल रखनी है कि प्राइमरी से सेकेंडरी जो ईएमएफ पहुंचेगा या करंट पहुंचेगा, वो इंडक्शन के प्रोसेस से पहुंच रहा है, ठीक है, इट इज रीचिंग बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो यहां पे थोड़ा सा फेज डिफरेंस आता है दोनों में, ओके, एक हल्का सा फेज डिफरेंस आ जाता है। एंड यू शुड रिमेंबर हियर दैट कि फेज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वोल्टेजेस विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ पाई, इतनी मैग्नीट्यूड से यहाँ पे फेज डिफरेंस हमको मिलेगा, एक साइकिल, हाफ साइकिल पीछे, ऐसे समझ लें आप, क्योंकि उसकी एक साइकिल होगी तब इसका अगला, दैट वे। सो ये बस एक कंडीशन की तरह हमें याद रखना है, इसमें हम ज्यादा मैथमेटिकल डिग इन नहीं करेंगे, बिकॉज सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल उस हिसाब से। तो बस हम इसे याद रखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टेज में फेज डिफरेंसेस होंगे वो पाई मैग्नीट्यूड के होंगे, पाई इतने रेडियन का फेज डिफरेंस यहाँ पे आएगा। अब देखो, हम ट्रांसफार्मर को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वी मे हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, और ये सब कुछ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स का खेल है। जैसे देखें, पहली पॉसिबिलिटी में आप आपके सामने पूरी पूरी एक साथ पुटअप कर देता हूं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे हम इसको, क्या नाम देंगे जरा बोले, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप इसकी डायग्राम देखें जरा, इसका सिंबल देखें आप, आपको देखते ही समझ में आ गया कि प्राइमरी के टर्न्स हैं कम और सेकेंडरी के टर्न्स हैं ज्यादा, करेक्ट है। अब देखो बेटा, अगर सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा हो जाते हैं तो क्या फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, और अगर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो उसका चेंज फैक्टर भी ज्यादा हो जाएगा, और फाइनली हम ये कहेंगे कि इसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करेक्ट है। अब इस बात को बहुत दूर तक भी ले जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इस तरीके की एक कंडीशन है ना, ES by EP is equal to turn ratio NS by NP। अब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा हैं और प्राइमरी के कम हैं, तो ये रेशियो तो ग्रेटर देन वन हो गया, इसका सीधा मतलब है कि ES by EP भी ग्रेटर देन वन हो गया, इसका मतलब ES is greater than EP हो गया, सोचे आप। अच्छा, इसका दूसरा मीनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो अभी अभी हमने एक इक्वेशन भी बनाई थी कि करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी, ये इक्वेशन हम अभी बना चुके हैं, सेकेंडरी के टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी के टर्न्स। करंट वाली रिलेशन जरा केयरफुली देखो आप, देखो प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो, सेकेंडरी टू प्राइमरी,
तो उल्टा रिलेशन है करंट का और वोल्टेज का। देखो यहाँ पे एस एस है, पी पी है, यहाँ पे पी एस है, एस पी है, समझे ना बात को। अब हम बोल रहे हैं कि भाई सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है और प्राइमरी के कम है, तो एनएस बाई एनपी जो है ये तो वैसे भी ग्रेटर देन वन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब तो यही निकलेगा कि आईपी बाई आईएस ये ग्रेटर देन वन हो गया, विच मीन्स आईपी इज ग्रेटर देन आईएस। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या है, तो मैं यहां पे तीन बातें बता सकता हूं। पहली उसका फिजिकल नेचर कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं और प्राइमरी में कम। दूसरा उसके ईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा और इनपुट कम होगा, यानी कि सेकेंडरी का ईएमएफ ज्यादा होगा और प्राइमरी का कम होगा। और तीसरा उसके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आउटपुट करंट कम होगा और इनपुट करंट ज्यादा होगा, यानी कि सेकेंडरी करंट कम होगा और प्राइमरी करंट ज्यादा होगा। बात समझे? अब अगर हम इसका बिल्कुल रिवर्स करते हैं, अपोजिट अरेंजमेंट करते हैं, तो हम ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कॉल करेंगे? अब एक को स्टेप अप कॉल कर चुके हैं तो दूसरे को क्या कॉल करना चाहिए? एकदम स्टेप डाउन। आप यहां फिजिकली इस बात को देख पाते हैं कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं और प्राइमरी के ज्यादा हैं। बाय दैट वे हम सीधे सीधे यही कहेंगे ना कि सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा। रिलेशन हम प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने अभी यहां पे किया, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा और प्राइमरी का ज्यादा हो जाएगा। करंट किसका कम होगा? प्राइमरी प्राइमरी का का करंट कम होगा। सिंपल बात है एकदम, ठीक है ना? अंदाजा आ पा रहा है सब कुछ? तो वी ट्राई टू अरेंज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। अब देखो इसका यूज कहाँ है। अब हर उस जगह जहां पे हमको वोल्टेज बढ़ाना है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ाना है वोल्टेज का, तो हम वहां पे स्टेप अप यूज करते हैं। और हर उस जगह जहां पे हमको वोल्टेज कम करना है, जैसे कि हमारे मोबाइल के चार्जर हो गए, लैपटॉप की बैटरीज हो गई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो, तो वहां पे हमको सप्लाई लाइन वोल्टेज को कम करना होता है। ठीक है, आजकल जो एंड्रॉइड टीवीज आ रहे हैं हमारे, उसके लिए भी हम थोड़ा सा उसको रिड्यूस करते हैं। हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन्स हो गई कुछ हद तक, कंप्यूटर का खुद डायरेक्ट सीपीयू हो गया हमारा, तो हम सप्लाई लाइन की वोल्टेज को थोड़ा सा कम करते हैं। तो जहां पे हमको सप्लाई लाइन की वैल्यू को, उसके वोल्टेज को कम करना है, वहां पे हम स्टेप डाउन यूज करेंगे। और जहां हमें बढ़ाना है, अब आप बोलेंगे कहाँ बढ़ाना है हमको, ऐसे बहुत सारी जरूरतें हैं जहां पे बढ़ाना है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल तो मैं यही बता देता हूँ आपको, ये जो सर्विस लाइन है ना, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर क्यों लगाया आप सोचे? तो हमारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कई हजार किलोमीटर दूर इधर उधर बनी होगी पावर स्टेशन पर, वहां से वो हमारे घर तक आ रही है। और वायर्स के थ्रू आते आते क्या होता है, हीट लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो लॉस हो जाती है। तो हमको जगह जगह रास्ते में ऐसे ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ते हैं जिनका काम क्या होगा, स्टेप अप करना। एक 5-10 किलोमीटर वायर में इलेक्ट्रिसिटी भेजी हमने, तो उसमें लॉसेस हुए होंगे, नुकसान हुआ होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारा वोल्टेज जो है वो हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो गया होगा, हमने उसको लूज कर दिया। अब अगर हम उसको नहीं बढ़ाएंगे तो वो बहुत कम होके फिर पहुंचेगा, तो उसको हर थोड़े डिस्टेंस के इंटरवल के बाद क्या करना होता है, बूस्ट करना होता है, उसको स्टेप अप करना होता है। तो वहां पर ये ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल होते हैं। तो सड़कों किनारे जितनी भी पावर लाइंस पर ट्रांसफार्मर्स लगे हो ना, सारे के सारे स्टेप अप होते हैं, याद रखें। गेटिंग इट राइट? यस ओके, सो एज पर नीड हम कभी स्टेप अप से देखेंगे, एज पर नीड हम कभी स्टेप डाउन के हिसाब से काम करेंगे। अब एक आइडिया तो मुझे आपको देनी थी, मैंने बता दिया आपको कैसे होगा, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल कंडीशनिंग है ये अच्छे से याद रखें। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कैसे होते हैं। सो मेनली देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस वी ऑब्जर्व इन द ट्रांसफार्मर्स। पहला, जो सबसे पहला लॉस है वो वायर की रेजिस्टेंस की वजह से है, वायर की रेजिस्टेंस के। देखो ट्रांसफार्मर जब हम बना रहे हैं तो हमें वाइंडिंग्स बनानी होगी लंबी चौड़ी, ठीक है? जैसे आप यहां देखें, यहां देखें, ये फिजिकल फॉर्म में इसको मैंने कहीं डायग्राम में, यहां इसके अंदर वाइंडिंग्स है एक्चुअली।
तो ये वायर की वाइंडिंग्स, इनका अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा जो करंट के फ्लो को थोड़ा सा अपोज करेगा, जिसकी वजह से हमको सबसे पहला लॉस होगा। अब बिना वायर के तो हम ट्रांसफार्मर बना नहीं सकते, तो वायर वाइंडिंग्स तो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और हीट लॉसेस उसमें होंगे वायर्स में, तो वो पहला। दूसरा, हम यहां पर आयरन कोर इस्तेमाल कर रहे हैं साइड में, दिख रहा है ना आपको इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, ये आयरन कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो एक सॉलिड बॉडी होगी और इसमें हमें बाद में फ्लक्स भी चेंज कराना है, तो इंडक्शन का प्रोसेस जो है ना वो डायरेक्ट कॉइल में होते हुए इस आयरन कोर पर भी होगा, और उसे हम कहते हैं एडी करंट्स। कुछ याद आया, एडी करंट्स पढ़ चुके हैं ना हम लोग, तो एडी करंट्स की वजह से भी हमारे कुछ लॉसेस होंगे। अब इसको कम करने या मिनिमाइज करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि इस ब्लॉक को सॉलिड ना बनाओ बल्कि ऐसा स्ट्रिप्स में बनाओ, दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ स्ट्रिप्स में बनाओ। स्ट्रिप्स में बनाएंगे तो क्या होगा, एडी करंट्स के जो सर्कल हैं वो कटेंगे। ये पढ़ चुके हैं हम, सीख चुके हैं एडी करंट वाले लेक्चर में, मैंने सारी बातें आपको बताई है कि स्ट्रिप्स में काट के बनाना है हमने। तो स्ट्रिप्स में काटने से क्या होता है कि अगर इस पे एडी करंट बन भी गया तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक सॉलिड ब्लॉक नहीं है बल्कि अलग अलग स्ट्रिप्स को कंबाइन करके बनाया गया एक अरेंजमेंट है, तो स्ट्रिप्स के कंबाइन होने की वजह से वो बीच में हल्का सा नॉमिनल सा गैप आने की वजह से वो कट जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रिप्स, दिख रहे हैं आपको, ऐसे बंडल है, ये बच्चे है। एनीवे, जो सेकंड लॉस ट्रांसफार्मर को आ सकता है वो एडी करंट है और उसको हम मिनिमाइज भी करेंगे। तीसरा लॉस हिस्टेरेसिस, यहां पर तो सारा मामला मैग्नेटिज्म वाला है ना, एक कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स को निकल के दूसरे कॉइल में जाना है और लगातार इसमें कम और ज्यादा भी होते रहना है, तो हिस्टेरेसिस में कोएर्सिविटी का एक फैक्टर आएगा, रिटेंटिविटी का फैक्टर आएगा, और इन कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में जो फ्लक्चुएशंस होने हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं होंगे, या होंगे भी तो उसमें कुछ लॉसेस आ सकते हैं। एंड आई होप यू रिकॉल दैट रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी एक्सप्लेनेशन। तो ये एक तरीका है। अब इसे क्या हम कैसे मिनिमाइज करें, तो इसका आंसर ये है कि हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करें जिसकी कोएर्सिविटी उतनी ज्यादा ना हो, रिटेंटिविटी उतनी ज्यादा ना हो, बल्कि फ्लक्चुएशंस जल्दी जल्दी हो, हिस्टेरेसिस लॉसेस एकदम कम हो। हिस्टेरेसिस का जो लूप बनता है, याद आ रहा है, जहन में आ रहा है हिस्टेरेसिस का लूप, वो एकदम नैरो बने। लाइक अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं यहाँ पे, तो हिस्टेरेसिस का लूप हम एक्सपेक्ट करेंगे, ये देखिए, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हिस्टेरेसिस का जो लूप है ना वो एकदम यूं ऐसे नैरो सा बन जाए ताकि उसके लॉसेस कम से कम हो, लेस कोएर्सिविटी और लेस रिटेंटिविटी में हमारा मामला निकल जाए। लास्ट जो लॉस इसमें आ सकता है वो है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज, अब हम कितनी भी कोशिश करें ये थोड़ा बहुत तो होने ही वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लक्स एक कॉइल से निकल के दूसरे कॉइल पे जाना है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे फ्लक्स लीकेज हो। अब इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉइल ऐसे साइड बाय साइड वाइंड करते हैं ना, तो साइड बाय साइड वाइंड न करके पहले एक कॉइल वाइंड की जाती है और उसके ऊपर दूसरी कॉइल वाइंड की जाती है, लाइक गैप रखा जाता है ये यूं ऐसे, जैसे ये वाला अरेंजमेंट देखिए। अब मैं इसके अंदर का आपको डायग्राम तो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन इसके अंदर देखेंगे ना तो एक कॉइल ऐसे बीच में है और उसके सराउंडिंग में दूसरा कॉइल है ऐसे, ये अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ऐसा है ये वीडियो में देखें आप, ये पहला कॉइल है बीच में और इसके आजू बाजू में ऐसे दूसरा कॉइल है, ताकि सारी लिंकेज पूरी अच्छी तरीके से हो जाए। समझ पा रहे हो बच्चों, आप इतना करने के बाद भी थोड़ा बहुत फ्लक्स लीकेज हो ही जाएगा, बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि इन लॉसेस को हम मिनिमाइज करें। अब हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एक तय बात यह है कि इसकी जो इफिशियंसी है, पावर आउटपुट और पावर इनपुट सेम होना, ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। थोड़े बहुत लॉसेस इधर उधर होंगे, हाउएवर वी कैन नॉट से दैट द 100% इनपुट पावर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड एज 100% आउटपुट पावर। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द वर्किंग एंड द कंडीशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट, द क्वेश्चंस आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सो यू विल फाइंड द क्वेश्चंस टू बी वेरी सिंपल, लेट्स गो फॉर इट। Now we have a transformer which converts 200 volt AC to 50 volt.
तो ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है क्या स्टेप डाउन है? स्टेप डाउन स्टेप डाउन है, वेरी गुड। इसकी जो प्राइमरी की वोल्टेज है वो 200 है इनपुट वोल्टेज, और इसकी सेकेंडरी वाली वोल्टेज जो है ना ये 50 वोल्ट है। सेकेंडरी का कॉइल टर्न 50 है और हमें पता करना है एंड लोड अक्रॉस इट ड्रॉस 300 mA, यानी कि सेकेंडरी का करंट भी हमको गिवन है, दैट इज 300 mA। अब हमें पता करना है कि प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं। आप देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बहुत आसान होते हैं, कोई ज्यादा खासा मेहनत नहीं करना है, बस प्रॉपर फॉर्मूला याद कर ले एंड यू आर डन विथ। अब करंट भी निकालना है और पावर कंजम्पशन भी निकालना है, सो लेट स्टार्ट विथ। पहले पार्ट से सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, जिसमें हमने लिखना होता है सेकेंडरी के टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल टू सेकेंडरी ईएमएफ डिवाइडेड बाय प्राइमरी। अब सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हमको निकालने हैं, प्राइमरी के 50 हैं, सेकेंडरी का वोल्टेज 50 है और प्राइमरी का वोल्टेज 200 है। तो क्या पता चला सेकेंडरी के कितने टर्न्स हैं? प्राइमरी के निकालने से सॉरी प्राइमरी के निकालने हैं। ओके तो ये मैंने रिवर्स लिख दिया, तो यहां मुझे लिखना है सेकेंडरी कॉइल हैज गॉट 50 टर्न्स, तो ये 50 और ये प्राइमरी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो काफी आसान हो गया, कितने टर्न्स हो गए यहाँ पे? 200। चलिए ये मामला तो निपट गया। अब निकालना है करंट इन प्राइमरी। अब इसी चीज को यूज करें बेटा, सेकेंडरी के टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी के टर्न्स। अब करंट का फॉर्मूला है प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट। अब सेकेंडरी के टर्न्स तो हमें पता है 50, प्राइमरी हमने अभी अभी निकाला 200। प्राइमरी करंट हमें फाइंड आउट करना है और सेकेंडरी करंट हमें गिवन है, दैट इज 300 एंड लेट इट बी इन मिली एम्पियर्स, नॉट इश्यू, क्योंकि फाइनल आंसर भी हम फिर मिली एम्पियर्स में ही लिखेंगे। सो व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड आंसर? कितना होगा बता दें जल्दी जल्दी? 75। यस, सो दैट इज 75 mA। अब देखना है पावर कंज्यूम्ड, कितना पावर इसने कंज्यूम किया। ये जो कंजम्पशन है ये इनपुट पे होगा ना, जो लिया। यस, तो इनपुट पावर हमने निकालना है। आपको याद है पावर इनपुट यस यस इज इक्वल टू प्राइमरी करंट सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी ईएमएफ इनपुट कंज्यूम्ड। कंजम्पशन कहां से हो रहा है? इनपुट से हो रहा है, फिर उसमें कुछ लॉसेस होंगे और फिर कुछ आउटपुट जाएगा, ठीक है। सो प्राइमरी का करंट हमने अभी निकाला 75 mA है, तो 10⁻³। सेकेंडरी का ईएमएफ, सॉरी प्राइमरी का ईएमएफ कितना है? 200। सो पावर कंजम्पशन 75 × 2 = 150, 15 वाट। पावर का यूनिट आप लगा देंगे वाट। सो दैट सिंपल, द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइए एक और देखते हैं, 6-7 क्वेश्चन है, खत्म कर लेते हैं, थोड़ा लेक्चर अगर 5-10 मिनट आगे चला गया तो भी जाएंगे। वैसे मैं बहुत स्लो रहा इन सभी चीजों को बताते हुए, बट आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी। द प्राइमरी ट्रांसफार्मर, प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज गॉट 30 टन्स। सो ये हो गया एनपी एंड इट वर्क्स ऑन 100 वोल्ट। ये हो गया ईपी, 100 वाट। ये हो गया पावर इनपुट। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। एनएस निकालना है टू सेटअप, टू स्टेप अप टू द वोल्टेज। सेकेंडरी का वोल्टेज गिवन है 400 वोल्ट। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। तो प्राइमरी का करंट भी निकालना है, सेकेंडरी का करंट भी निकालना है। आई थिंक दैट्स वेरी इजी। पहले नंबर ऑफ टर्न्स वाला मामला खत्म करते हैं, तो एनएस बाई एनपी इज इक्वल टू ईएस बाई ईपी। एनएस फाइंड आउट करना है, एनपी इज 30, ईएस इज 400
एंड ईपी इज 100, सो एनएस कितना हो गया? 120. तो पहला पार्ट खत्म हो गया इसका. अब निकालते हैं प्राइमरी का करंट कितना है. तो बेटा इनपुट पावर हमको गिवन है ना, इसकी इनपुट पावर होती है प्राइमरी का करंट और प्राइमरी वाला ईएमएफ. तो इनपुट पावर 100 वैट है, इनपुट करंट यानी कि प्राइमरी का करंट निकालना है, जबकि प्राइमरी का वोल्टेज गिवन है हमको 100. तो आप बता दें प्राइमरी का करंट कितना हुआ? इट्स जस्ट 1 एम्पियर. लास्ट पार्ट में हमें सेकेंडरी का करंट भी निकालना है. तो सेकेंडरी करंट फिगर आउट करने के लिए वापस से आप टर्न रेशियो वाले फॉर्मूले पे आए, जो सबसे आसान है. बट इस बार टर्न रेशियो का फॉर्मूला हम लोग करंट की टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे, आईपी डिवाइडेड बाई आईएस. गलती ना करें यहां पर. नाउ एनएस वी हैव जस्ट फिगर आउट 120, एनपी इज ऑलरेडी गिवन 30, आईपी इज 1 एंड दिस इज आईएस. सो आईएस इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर. आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. Yes. Okay, let's take the next one. Agla question dekhte hain. A current of 10 ampere in the primary of transformer is reduced to zero at a uniform rate in 0.1 second. Now this is time and this is current which is reduced to zero. तो आप देखें यहां पे डी आई बाई डी टी. ऑफकोर्स दिस आई इज टू बी कंसिडर्ड इन प्राइमरी. अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो गया 10/0.1 यानी के 100 एम्पियर पर सेकेंड. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज 3 हेनरी यानी के एम का वैल्यू गिवन है 3 हेनरी. What is EMF induced in the secondary coil? Quite interesting. EMF in secondary is equal to M times of rate of change of current in primary. Are you getting it right? Yes. 3 into 100. That is 300 volt. ये सीधे-सीधे mutual induction के principle पे हमने answer किया. अब ये पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न इन द सेकेंडरी इफ इट हैज 50 टर्न्स. अगर उसके पास टोटल 50 टर्न्स है तो फिर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, पर टर्न कितना होगा? तो आंसर सिंपल है बेटा, इसी ई एस को ना आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एन एस डी फाइव बाई डी टी. अब ES तो आपने अभी भी निकाला था, that is 300, NS 50 है, और ये d5 by dt per turn हो जाता है, तो क्या आंसर आया? 6. d5 by dt is 6. Now we just have to write Weber per turn, ठीक है, क्योंकि 50 से तो डिवाइड कर दिया ना आपने उसको, Weber per turn. Yes. So, इतना आसान क्वेश्चन था. ये ज्यादा जो क्वेश्चन के चांसेस हैं, ये अपने थियरी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इनके, और ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी पूछे गए हैं. कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी जब क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का होता है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया जाता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो वो तो थियरी याद कर लेंगे तो हमको आ जाएगा. A step down transformer works on 220 volt AC mains. It is used to light a 100 watt 20 volt bulb. अब देखो बेटा ये जो बल्ब वाली बातें हैं ना, ये तो आउटपुट पे लगी होंगी ना, है कि नहीं? Yes. मतलब आउटपुट पावर कितना है? 100. आउटपुट वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज 20 होना चाहिए, ठीक है? अब ये जो 220 वोल्ट एसी मेंस दिया है, ये तो सप्लाई लाइन की इनिशियल है, इनपुट है ये, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज
220 वोल्ट है, और ध्यान से देखो तो प्राइमरी करंट भी गिवन है इसका 0.5 एम्पियर। तो आप एक छोटा सा काम करें, इनपुट पावर निकालें पहले, क्योंकि इसने पूछा है कि इफिशियंसी कितनी है। तो इनपुट पावर होगा अपना प्राइमरी वाला करंट और प्राइमरी वाला वोल्टेज। तो प्राइमरी वाला करंट है 0.5 और प्राइमरी वाला वोल्टेज है 220, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 110 वाट, करेक्ट है। यस अब बच्चों अगर मैं इसकी इफिशियंसी फाइंड आउट करता हूं तो वो तो यही होता है ना कि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। यस आउटपुट पावर कितनी है? 100 वाट 100, और इनपुट कितनी है? 110, 10/11, तो बता दें कितना होगा? 0.90। अगर हम इसी चीज को परसेंटेज में लिखें तो हम क्या कहेंगे? 90% इन जीरो अप्रोक्सीमेशन। यस तो 100% एफिशिएंसी तो नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। अच्छा, इसके ऑप्शंस भी हैं, तो हमने यहाँ शायद थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर दिया। अगर ऑप्शंस मेरे माइंड से निकल गए नाइनटी तो करंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 91% पे चलना पड़ेगा हमको। ठीक हो रही है बात? अब मैं एक दो तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, आप ट्राई करेंगे इसको? यस यस, इसी तरीके के बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें कुछ एक्सेसिव बात करने की जरूरत है। ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, अटेम्प्ट करें, कुछ अगर रह जाता है तो फिर कांटेक्ट करें, विल हैव डिस्कशन ऑन इट। ओके, रुक जाए फिर। यस वेल, आई विल जस्ट मेक अ मार्क हियर कि ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, इसको आपने करना है। ओके देन, विल स्टॉप यू फॉर दिस।